ये पहली बार मैं देख रहा हूँ यूके में। ये घर चेक करें कितना खूबसूरत है। शुक्र है 3 मिनट में बोर्डिंग शुरू होने वाली है। यहाँ पे बारिश भी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जा रहे हैं बर्मिंघम और ट्रेन में जाएंगे तो आप लोगों को सफ़र भी दिखाएंगे। पूछा मैंने कुछ? और मैं जा रहा हूँ बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी, वहाँ पे ओपन डे है और वहाँ पे जाऊँगा और क्वेश्चन पूछूँगा कि वो वाली यूनिवर्सिटी कैसी है, तो आप लोगों को वो वाली यूनिवर्सिटी भी दिखाएंगे। ये देख सकते हैं अभी अभी सनराइज़ हो रहा है, थोड़ी देर बाद सनराइज़ होगा। हाँ मुझे पता है मैं बहुत जल्दी निकला हूँ क्योंकि मैंने आज शाम को वापस भी आना है। बर्मिंघम का सफ़र ऐसे कुछ 2 घंटे का है ट्रेन में और बस में कुछ 4 घंटे का है। सड़कें इतनी खाली खाली हैं कि क्या बताऊँ, कोई भी गाड़ी नहीं है। मेरे पीछे कोई गाड़ी है, दूसरे सड़क पे भी कोई गाड़ियाँ नहीं है और लोग भी काफ़ी कम है, मतलब सुबह है तो कम ही होंगे। और अभी बस जा रहे हैं, कुछ 40 मिनट का सफ़र है पैदल ट्रेन स्टेशन तक। आज मैंने बड़ी कोई कमाल की चीज़ नोटिस की, आसमान बिल्कुल खाली है, एक भी छोटा सा वो क्या कहते हैं उसको, ये क्या है, बादल नहीं है। मतलब वाओ वाओ क्या बात है, मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। देखिए यहाँ पे कैमरा भी लगे हुए हैं, तो यहाँ से ऐसे जाएंगे, ऐसे ही जाएंगे ना, हाँ इस तरफ ही। ये देखिए तो मैंने पहले देखा भी नहीं था, यहाँ पे तो स्केट पार्क भी खुला हुआ है छोटा सा, वेरी नाइस। मुझे तो स्केटिंग आती नहीं है वरना। ये घर चेक करें कितना खूबसूरत है, वाओ। और ये भी चेक करें घर, और आगे भी घर आने वाले हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत। ये रोड है, फिर आखिर में एक फुटपाथ है, उसी फुटपाथ में सीधा जाके फिर रेल स्टेशन आएगा, फिर जाएंगे बर्मिंघम। इसी रास्ते में सीधा ये है रेल स्टेशन, देख सकते हैं यहाँ से। यहाँ से बड़ी कोई तेज तरीन ट्रेन गुजरती है कभी कभी, तो हम भी उसी तेज। तो ये आ गया है हमारा स्टेशन, अभी यहाँ से टिकट लेंगे। ये रहा हमारी टिकट, और भी है, ओके ओके ब्रो इंतज़ार करेंगे, ओके ब्रो। 12 seconds later. ओ ये हो गया, बस काम तमाम। कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना था हमें, प्लेटफॉर्म 1 से जाना है। 6:54 वाला ट्रेन है तो अभी काफ़ी टाइम है, अभी बज रहे हैं 6:16, तो वैसे भी ट्रेन स्टेशन में आ गए, अब कोई टेंशन नहीं है। अभी यहाँ से जब ट्रेन गुजरेगी तो मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, मतलब ट्रेन दिखाऊंगा। ट्रेन आ रहा है, ट्रेन ट्रेन आ रहा है, ट्रेन आ रहा है। वाओ बहुत तेज गुजरता है यहाँ से। मुबारक हो, ये आ गई है हमारी ट्रेन और अभी इसमें बैठेंगे। अब ये ट्रेन हमें लेकर जा रही है मेन सिटी लंदन। अभी तो सफर शुरू हुआ है, तो 9:30 बजे, हाँ 9:30 बजे पहुँचेंगे। अभी तो 7 बज रहे हैं, बाहर का नज़ारा भी देखेंगे साथों साथ। यहाँ से मेन सिटी लंदन शुरू होता है, फिंसबरी पार्क। आ गया है हमारा फाइनल स्टेशन, लंदन किंग्स क्रॉस। सर ये देखिए ये बिल्डिंग, होटल है ये, और ये टेलीफोन यहाँ पे। ओए 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 लंदन, बहुत क्राउडेड एरिया है ये, बहुत क्राउडेड है। अभी दूसरे स्टेशन जा रहे हैं, यहाँ पे बहुत ठंडा है यार। तो दोस्तों ये आ गया है दूसरा स्टेशन। ये कबूतर ट्रेन स्टेशन के अंदर ही घूम रहे हैं, ये कौन सी नई साइंस है भाई। कैसा लगा मेरा मजाक? ट्रेन के लिए अभी कुछ 20 मिनट बाकी हैं,
और अभी तक प्लेटफॉर्म की इंफॉर्मेशन आई नहीं है। जब प्लेटफॉर्म ये हमारी नहीं है, हमारी वाली ये वाली है अवंती वेस्ट कोस्ट। रमज़ान भी है तो मैंने रोज़ा भी रखा हुआ है, तो बहुत ठंड है और क्या कर। आ गई है मुबारक, प्लेटफॉर्म 3 में जाना है। ये हमारी ट्रेन है, ये वाली अवंती वेस्ट कोस्ट। वो यहाँ पे तो बहुत रश हो गया है। वाह, F70 है मुझे लगता है। हाँ F70 है, ये रहा F। चलो अंदर चलते हैं। 8:10 हो गए लेकिन अभी ट्रेन की बोर्डिंग होगी। यहाँ पे प्लग्स भी हैं। मेरे साथ वाला बंदा तो है ही नहीं, पता नहीं कहाँ गया है मेरे साथ वाला बंदा। पूरी रात मैंने नींद भी नहीं की है। तो ये वाली ट्रेन काफ़ी तेज़ है, ये वो फास्ट ट्रेन है। One hour later. गाइस बर्मिंघम पहुंचने वाले हैं और यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही है। यहाँ पे बारिश भी हो रही है और मेरे पास तो अम्ब्रेला भी नहीं है। प्रोग्राम तो बढ़ गया। अब कोई सुपरमार्केट ढूंढनी पड़ेगी ताकि अम्ब्रेला ले लूँ। नहीं मुझे नहीं लगता ये अच्छी क्वालिटी की है। है बर्मिंघम की क्या बात है भाई, पुराने पुराने बिल्डिंग्स यहाँ पे है। यार मुझे ऐसे लग रहा है कि ये बहुत खाली खाली है, काफ़ी खाली हो। सारी जगह देखो मेरे पीछे भी सारी जगह खाली हैं। ये आ गई है यूनिवर्सिटी, बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी। अब ऑफिस ढूंढना पड़ेगा। मैं ये वाला साइन देख रहा था, ये वाला ओपन डे। ये आए हाय क्या बात है, ये है पूरा बिल्डिंग इनका, ये पूरा बिल्डिंग है इनका। वहाँ पे पीछे भी है, ये तो कैफ़े है। वहाँ पे पीछे वो रेड वाला बिल्डिंग भी इनका ही है। तो साइंस म्यूजियम भी है यहाँ पे। व्हाट इज़ ओपन डे? आए आए, ये आ गया है ओपन डे। वेलकम टू आवर ओपन डे। हमें फ्री ड्रिंक का वाउचर भी मिला है। आए हाय क्या बात है। तो वैलिड फॉर यूज़ ऑन फूड एंड ड्रिंक। आए हाय क्या बात है, मुफ्त में खाना मिल रहा है यार, और क्या चाहिए। और ये सारे और डिटेल्स हैं। इस बिल्डिंग को एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा था कि कोई म्यूजियम भी है, तो इस बिल्डिंग में जाएंगे। ये है इनका बिल्डिंग फॉर फैशन एंड टेक्सटाइल। और यहाँ पे न्यूज़पेपर आर्टिकल भी लगाए हुए हैं, बहुत खूबसूरत। ज़मीन पर भी लगाए हुए हैं, स्मॉल म्यूजियम टाइप बनाया हुआ है वहाँ पे। तो दोस्तों अब मैं शटल में बैठ गया हूँ और ये शटल जाएगी दूसरी कैंपस, और वहाँ पे जो है साइंसेस की चीज़ें हैं, क्योंकि मैं बायोमेडिकल साइंस पढ़ रहा हूँ। वहाँ पे क्या क्या है, इतना शोर क्यों है भाई। हेलो, यूके की बसें जिंदाबाद। यहाँ से पानी भी आ रहा है, वाह क्या बात है। ये आ गई है हमारी एज बेस्टन की कैंपस। और यहाँ पे काफ़ी सन्नाटा है, जैसे वो दूसरे कैंपस में था। ये कैंपस थोड़ा सा काम अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है सूरज निकला है इसलिए अच्छा लग रहा है। वो बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी का लोगो। ये बिल्डिंग सीकोल बिल्डिंग है जहाँ पे सारे साइंसेस के चीज़ें हैं। जी हाँ, हेल्थ फाउंडेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड लाइफ साइंसेस, यही मुझे चाहिए था। तो अभी हम लिफ्ट में जा रहे हैं। ओके, अब 302 कहाँ पे है। वाह, यहाँ से काफ़ी ऊंचा है, आई मीन थर्ड फ्लोर है तो ऑफ कोर्स ऊंचा ही होगा। दोस्तों हमने लैब देख लिया और अभी सोच रहा हूँ नीचे जाऊँ और कुछ क्वेश्चंस पूछूँ लोगों से, तो देखूँगा कि कौन से क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ। काफ़ी थक गया हूँ। 3 या 4 घंटे बाकी हैं वापस जाने के लिए, तो ज़्यादा टाइम यहाँ पे ही गुजारेंगे। दोस्तों ये जो कैंपस था एज बेस्टन का, इसकी हमने सैर कर ली है। वापस मेन कैंपस जाएंगे और वहाँ पे थोड़ा सा 1 या 2 घंटा बैठेंगे, या मैं सोच रहा हूँ कि मॉल चले जाएं, वहाँ पे थोड़ी सी सैर कर लें, क्योंकि मॉल की भी सैर तो करनी चाहिए ना। तो अभी आप लोगों को मॉल दिखाता हूँ, मैं भी ख़ुद देखता हूँ क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में यहाँ पे मॉल नहीं देखा है। मैं तो बर्मिंघम कभी आया भी नहीं हूँ, पहली बार मैं आ रहा हूँ।
झूठ बोल रहा है यार। ये जो सूरज है ना, इसका कोई फायदा नहीं है। अगर ये निकले या ना निकले, ठंड होती है फिर भी। आ गया है मॉल, बुल रिंग एंड ग्रैंड सेंट्रल बर्मिंघम। वाओ, चलो भाई इसके अंदर चलते हैं। ये हो गया है, खुल जा, खुल जा। पावर ही नहीं रह गया इसमें तो। तो यहाँ पे सारे ब्रांड्स हैं। तो गाइस ये नई चीज़ चेकआउट करें, यहाँ पे सारे कपड़े हैं और यहाँ पे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। वाह क्या बात है, ये तो मैं नई चीज़ देख रहा हूँ। वाह वाह, वेरी नाइस। यहाँ से कोई सैंडविच उठाते हैं इफ्तारी के लिए, तो कौन सा सैंडविच उठा? तो मैंने अब ये उठा दिया है, एक टोमेटो एंड सैलड क्रीम सैंडविच। तो अभी इसको इफ्तारी में खाएंगे इंशाल्लाह। गाइस ये देखें, बड़ा कोई जायंट सा कोई एलिफेंट लगाया हुआ है इन्होंने। नहीं बुल है ये, तो मैंने सोचा एलिफेंट है। वाओ नाइस, वो ये तो सर भी हिलाता है। तो दोस्तों आज की सारी सैर वगैरह सब कुछ हो गई है और अभी वापस जाऊंगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।